रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? खैरियत से, मिजाज ठीक हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे उम्रे के लिए निकल रहे हैं। ये मेरे हाथ में एहराम है, और क्योंकि अगर आप मक्का में होते हैं और दूसरा उम्रा करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एहराम बांधने के लिए दोबारा मस्जिद आयशा की तरफ जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर अभी बाज़ार में मौजूद हैं, और ये हमारा फंदक है, यानी होटल तकरीबन कोई 20-22 मंजिला है। तो आज हम अपना व्लॉग यहाँ से शुरू करेंगे, जो दूसरा उम्रा है हमारा। और अभी टैक्सी को जो है ना हम ढूंढ रहे हैं, जैसे मिलती है वो भी अपडेट करते हैं। और हमारे साथ एक बड़े अजीम साथी हैं, जहाँ जिसका मैंने जिक्र किया था, वो ये बाबा जी आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका वेट हो रहा था। हेलो। हाँ, अच्छा, ये बाबा जी हैं जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था, सोने के दिल वाला। अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला दें। हाँ जी, ये बाबा कासिम हैं जी, ये हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, हमारे उम्रे में हमारी हेल्प भी करेंगे और अपना भी उम्रा अंजाम देंगे। तो आप रेडी हैं उम्रे के लिए? तो ये बाबा जी माशाल्लाह से पहले 3 उम्रे कर चुके हैं, लेकिन आज हम दूसरे की कोशिश आज कर रहे हैं, लेकिन बाबा माशाल्लाह तीसरे की कर रहा हूँ। आज चौथा उम्रा इनका होगा, अल्लाह ये सारे कबूल करे और शरफ कबूली तो बख्शे इंशाल्लाह। तो टैक्सी ढूंढते इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है टैक्सी में, साथ रहिए। आज हमें टैक्सी नहीं मिला, टैक्सी अगले चौक से मिलेगी। तो हम अभी ये बाजार में जा रहे हैं। अगर मैं रोड की बात करूँ तो ये है जी शारा हिजरा, मस्जिद शजरा के पास है। और जो हमारा होटल है वो तकरीबन, जो हमारा होटल है वहाँ से जो माशाल्लाह जो खाना काबा है वो तकरीबन पूरा एक किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम जा रहे हैं। ये व्हील चेयर की सर्विस जहाँ लोग देते हैं, पेड सर्विस होती है, यहाँ खिदमत खाल का कोई नाम नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह उनको तौफीक दे, हमारी तो ये दुआ है। बहरहाल तो अभी हम जा रहे हैं इधर। तो ये एक साथ पाकिस्तानी होटल भी है, पाकिस्तानी पंजाब होटल मुतबल फरदोस। तो ये होटल है पाकिस्तानी खानों के लिए। ये मार्केट आप देख रहे हैं माशाल्लाह से खुली हुई है, और अभी हम जा रहे हैं उधर। तो मेरे साथ जो बाबा हैं, अच्छा हमारे साथ जो बाबा हैं वो ये बाबा कासिम है, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह इनको इनकी नेकी का अजर अजीम अता फरमाए। अच्छा, मैंने इनको ना एक छोटा सा खिताब से नवाजा है कि ये जो है ना वो सोने के दिल वाले हैं। आपने जिस तरह थंबनेल में देखा है, तो मैं आपको ज़रा वहाँ से जो एक्सप्लेन भी करूँगा ऐसे ऐसे वीडियो में। अभी तो ये हमारे साथ है इंशाल्लाह, और अभी ये हमारे साथ जो है ना वो होंगे इधर एहराम में। अभी बांधेंगे हम, अभी हम जा रहे हैं एहराम बांधने, उसके बाद हम इधर आएंगे तवाफ़ के लिए, सही के लिए, अभी जमजम है, फिर जो है ना वो ये सारा कुछ मामला, ये हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह। साथ रहे, आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होना। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, और इस बारे में आपने मुकम्मल मुझे आगाह करना है। बाबा जी मुस्करा रहे हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है मज़ा आएगा, क्योंकि हम इसमें फुल तरीका भी आपको डिस्कस करेंगे। हाँ जी, क्योंकि अगर जो आप उम्रा करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से अरकान होते हैं जिनको आपने अंजाम देना होता है, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस फाइनली हमें जो है ना वो टैक्सी मिल चुकी है। क्या नाम है भाई का? हमारा नाम जोहरुल इस्लाम असलम रॉबिन। जोहरुल इस्लाम रॉबिन। अच्छा, ये रॉबिन साहब हैं माशाल्लाह से। एक तो अंधेरा हो गया हमारी तरफ, चले कोई बात नहीं। ये अभी हम बैठ चुके हैं टैक्सी में, भाई ने 40 रियाल हमसे चार्ज किए, और ये डबल ट्रिप है, आना जाना दोनों है। चलो यहाँ पे अंधेरा है, हम जरा पहुँच के ना आपसे बात करते हैं, क्योंकि अंधेरे में ना जरा बाबा भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है। गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद आयशा के पास हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हम जो है ना वो अभी एहराम तब्दील करेंगे, और फिर जो है ना वो ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे भाई साहब बैठे हैं माशाल्लाह से, और ये मस्जिद है। अंदर जाके दिखाते हैं मस्जिद की खूबसूरती। गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद आयशा में पहुंच चुके हैं। बड़े माशाल्लाह पुरनूर और रूपरूर मनाजिर हैं, और हमने एहराम तब्दील कर लिया है। ये मेरा ट्यूब का सामान पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एहराम वगैरह पहन चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इन लम्हों को। वेरी रिमेम्बर फॉर फरस, शायद ज़िंदगी में दोबारा मिले ना मिले, बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। जज़ाकअल्लाह। अब हमने एहराम अल्हम्दुलिल्लाह बांध लिया है, और अब हम जा रहे हैं वापस खाना काबा की तरफ इंशाल्लाह। तो बाबा हमारे साथ है, बाबा जी इरादे मजबूत हैं? बिल्कुल। आज फिर वोसा होगा हिजरत का, हिजरत का वोसा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सरफराजी देगा। तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को उम्रा करके आ चुके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बाबा ने हमारी बहुत मदद की,
हमें जो है ना वो तवाफ़ करवाया, माशाल्लाह बाबा खुश है। फिर रात को ढेर सारी नेकियां इन्होंने समेटी हैं, ये एक हकीकी बात है। और ये बुज़ुर्ग आदमी हो के माशाल्लाह इन्होंने जो है ना वो तकरीबन 4 उम्रे की हैं, अल्लाह ताला ये कबूल करे। काफ़ी इन्होंने हार्ड वर्क किया है, वो काफ़ी जो है ना वो अप्रिशिएटिव है भी। असल में जो लोग उमरा करके गए हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि जो हज उमरा वाली जो इबादत है ये कितनी मुश्किल है, तो वो इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उमरा मुकम्मल हो चुका है और आज शायद हमारा मक्का मुकर्रमा में जो है ना वो आखिरी दिन है इंशाल्लाह। तो कल उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होंगे और इंशाल्लाह फिर वो खूबसूरत और जो है ना वो पुरनूर फिजाएँ इंशाल्लाह हमारे नसीब में होंगी। तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाबा जी कुछ कहेंगे आप? नहीं मैं क्या कहूँ, मैं तो बेज़बान आदमी में। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, माश नहीं नहीं आप जिंदा दिल इंसान है, सीरियसली आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका बेज़बान आदमी हूं इतना, आपका जो जितना भी हमारा साथ है 8-10 दिन का 15 दिन का वो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा गुजरेगा ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। और जल्द ही इंशाल्लाह फिर आपको एक अच्छा और खूबसूरत व्लॉग दिखाएंगे। इस सोने वाले सोने के दिल वाले इंसान का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान पाइंदाबाद।